लखनऊ से बनारस तक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने जुटा था संजय शेरपुरिया। दिल्ली में डिफाल्टर होने के बाद गाजीपुर को बना लिया था सेंटर। यूपी के सियासी गलियारों में पहुंच बनाने लगा था जालसाज। 12 घंटे चली पूछताछ में आरोपी ने उगले कई राज। 2 साल के अंदर यूपी में संजय ने बना ली थी धाक। प्रधानमंत्री आवास के पास कोठी कब्जा रोब दिखाकर ठगता रहा। कई नेताओं से था संपर्क। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक शेरपुरिया की डायरी में कई नेताओं मंत्रियों के नंबर थे। आचार संहिता लगने से पहले वह लखनऊ में कई दिन रुका। यहाँ 5-स्टार होटल में उससे मिलने कई लोग आए। अब उन लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। जालसाज ने एसटीएफ को भी उलझाने की कोशिश की। हाई प्रोफाइल जालसाज संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया दिल्ली में डिफॉल्टर होने के बाद यूपी में नेटवर्क बढ़ाने में जुटा हुआ था। अपना साम्राज्य खड़ा करने को लखनऊ से बनारस तक जाल फैला रहा था। यूपी के सियासी गलियारों में 2 साल से घूमते हुए वह 2021 से डिप्टी सीएम मंत्रियों उद्योगपतियों के संपर्क बनाने के साथ दिल्ली का रुतबा सोशल मीडिया से दिखा पहुँच बना चुका था। सचिवालय तक पहुँचे शेरपुरिया ने एसटीएफ को बताया कि वह कई बार सचिवालय तक गया, वह भी बिना प्रवेश पत्र के। उसने सचिवालय लोक भवन में बैठने वाले कई अफसर कर्मचारियों के नाम गिनाए। राज उगलवाने को रिमांड पर लेगी एसटीएफ की टीम। शेरपुरिया से मिले दस्तावेजों में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में वही बता सकता है। एसटीएफ पड़ताल और राज उगलवाने को जल्द उसे रिमांड पर लेगी। दावा है कि संजय के जरिए कई और लोगों के चेहरे से नकाब हटेगा। अधिकारियों ने बताया कि संजय ने उद्योगपति गौरव डालमिया उर्फ जी कुमार और गाजीपुर के बिल्डर अशफाक से करोड़ों रुपए लिए। गौरव ने तो डालमिया फैमिली ऑफ ट्रस्ट के जरिए 5 करोड़, दूसरी बार में 1 करोड़ फाउंडेशन को दिए। यह जांच एजेंसी मैनेज करने को दी थी। संजय ने दावा किया कि वह जांच ख़त्म करा देगा और इसकी एफआईआर का भी जिक्र किया गया। क्लबों में करोड़ों की डील की गई। संजय एसटीएफ ने कबूला कि वह क्लबों में कई बड़े लोग के साथ मिलता था और उनसे मेंबरशिप भी ली थी। यहाँ परिचय हुआ, फिर उसके जरिए लोगों के काम कराने लगा। कई उद्योगपति भी उनके झांसे में आए। करोड़ों की वसूली के लिए नोटिस। शेरपुरिया की गिरफ्तारी के बाद अब एसबीआई की अहमदाबाद शाखा ने भी उसे 341 करोड़ की अधिक की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया है। संजय शेरपुरिया की पत्नी और अन्य निदेशक के नाम जारी इस नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि उसने 15 दिन में इस रकम का भुगतान नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।